स्वागत है तुम्हारा शैतान की दुनिया में। जो भी दुनिया के लोग हैं और दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया से उब गए हैं, परेशान हैं, एक नए जीवन की तलाश में हैं और दुनिया के दूसरे पार जाना चाहते हैं, उन सब का तांत्रिक दैत्य स्वागत करता है और अपने हाथों को फैलाता है और कहता है, आओ हमारी दुनिया में चले आओ, शैतान को मानने वाले आओ। शैतान का वर्चस्व पूरी दुनिया पे कायम है। जैसा कि तुम जानते हो, इल्यूमिनाटी का वर्चस्व इस दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, हर भाषा के अंदर शैतान के अनुयायी पहुंच चुके हैं और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि शैतान की पूजा हो और शैतान के आगे सर झुकाया जाए। सभी लोगों के अपने जीवन के सिद्धांत होते हैं। तांत्रिक दैत्य का एक ही सिद्धांत है, दैत्यराज 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 अर्थात शैतान, डेविल द लूसिफर। कौन है शैतान? शैतान अंधेरे का राजा है, अंधेरे की सत्ता है। और जो लोग शैतान से सौदा करते हैं, शैतान से अपनी आत्मा का सौदा करते हैं, वो इस जीवन में ऐसी चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं जो कोई साधारण व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसा कुछ वो अपने जीवन में देख पाएगा। बड़े बड़े उदाहरण हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। हम बात भारत की नहीं करते, हम इस पूरी दुनिया की बात करते हैं। इस पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े उदाहरण हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम लेना उचित नहीं। याद रखें, इन सब ने एक सौदा किया है, एक करार किया है शैतान के साथ और अपने जीवन को बदलने के लिए उस करार पे कायम हैं। शैतान से कैसे जुड़ा जा सकता है? जो भी लोग शैतान से जुड़ना चाहते हैं या इल्यूमिनाटी की सदस्यता लेना चाहते हैं, उन सब का दैत्यराज स्वागत करते हैं। भारत और भारत से बाहर भी दैत्यराज अर्थात स्वयं हमारे अंदर विराजमान हैं। भारत इस दुनिया को बदलता है और भारत ने इस दुनिया को सब कुछ दिया है। ऐसे ही भारत ने ही शैतान दिया है। शैतान एक दैत्य है, राक्षस है, स्वयं मेरे अंदर समाया है, मैं ही दैत्य हूँ, पूरा ब्रह्मांड हमारा है। इस पूरी दुनिया पे हमारी सत्ता कायम है और रहने वाली है। जो लोग हमें मानेंगे, हमारे आगे सर झुकाएंगे, याद रखो जीवन में जो भी चीज़ें वो भोग सकते हैं उन्हें दी जाएंगी अर्थात मिलेंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं और आगे तुम्हें सूचना देते हैं कैसे सदस्यता लें। याद रखें, जो भी लोग इल्यूमिनाटी की सदस्यता लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं शैतान की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में जहां पर हर चीज़ मुहैया है, तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ तक कि तुम अपने जीवन को देख सकते हो, तुम अपने भविष्य को देख सकते हो, एक ऐसा उज्ज्वल भविष्य जिसका दावा और कोई सरकार नहीं करती और कोई सत्ता नहीं करती, सिर्फ शैतान की सत्ता ही इसका वादा करती है। तुम्हें क्या मिलने वाला है? बहुत सारे लोग यश की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, अलग अलग इच्छाओं के लिए शैतान से जुड़ते हैं। तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, शैतान से सौदा कर सकते हो। शैतान ने तुम्हारे लिए अपना मंच खोल दिया है। आओ चले आओ। कैसे जुड़े शैतान से? आखिर क्या मार्ग है? दैत्यराज हमेशा दैत्य की बात करता रहता है, शैतान की जय बोलता रहता है। क्या है शैतान के अंदर? शैतान ही सब है मूर्ख। शैतान में सत्ता है, शैतान के सिवा कुछ भी नहीं। भूलो मत शैतान को। शैतान का वर्चस्व इस पूरी दुनिया पे है, इस पूरी दुनिया पे कायम है। और मैं शैतान का कोई अनुयायी नहीं, स्वयं शैतान हूँ। मेरे अंदर से शैतान बोलता है, मैं इस दुनिया पर राज करने के लिए आया हूँ। ओम दैत्या। एक बात हमेशा याद रखें, जो भी लोग दैत्यराज की सत्ता को अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं, उन सब का स्वागत है। दैत्यराज की सत्ता अपने ऊपर लागू करना अर्थात दो मार्ग हैं। जो लोग इल्यूमिनाटी की सदस्यता लेना चाहते हैं, वो कैसे लें ये समझ लें। सबसे पहले उन व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, इसमें स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, सबसे पहले उस व्यक्ति को हमें संपर्क करना है। उसके बाद उसे अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और अपनी कोई एक फ़ोटो अर्थात तस्वीर हमें भेजनी है। उसके बाद उसे एक रिचुअल करना होता है। सबसे पहले एक रिचुअल की, बड़े रिचुअल यानी कि एक बड़ी शैतानी तांत्रिक क्रिया की हम तैयारी करते हैं, जिसके अंदर हमें शैतान अर्थात दैत्यराज को खुश करना पड़ता है। और उस समय जब भी दैत्यराज के संप्रदाय से कोई नया व्यक्ति जुड़ता है, तो याद रखें शैतानी आत्माएं खुश हो जाती हैं और पूरा आकाश खुशी से झूम उठता है और उसका स्वागत किया जाता है। शैतान की दुनिया में बहुत बड़ा स्वागत होता है। याद रखें, जब भी कोई व्यक्ति सदस्यता लेना चाहता है, सबसे पहले वो अपनी जानकारी भेजेगा। उसके बाद हम एक बड़ी शैतानी तांत्रिक क्रिया की तैयारी करते हैं। उसके अंदर क्या होता है? उस शैतानी क्रिया के अंदर
जैसा कि तुम एक फोटो देख रहे होंगे, इसमें एक बकरे का सर है जो हिले जा रहा है, हिले जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हम एक बकरा खरीदते हैं, एक जानवर खरीदते हैं जो काले रंग का होता है, और हम अंधेरी रात में अपनी शैतानी तांत्रिक क्रिया की तैयारी कर कर, जहाँ पर कोई नहीं होता, दुर्जन स्थान पर वीराने में अपने अनुयायियों के साथ काले वस्त्र धारण किए हुए हम उस जानवर का सर काट देते हैं, और जैसे ही सर जमीन पर गिरता है हम उसके पूरे शरीर को पकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि वो तड़फने लगता है, उसके शरीर से खून बहने लगता है, उसका खून एक बड़े बर्तन में इकट्ठा किया जाता है, वो बड़ा बर्तन उसके अंदर उसका खून जब तक हम इकट्ठा करते हैं जब तक खून निकलता रहता है, यहाँ तक कि उसके शरीर की एक आखिरी बूंद तक ले ली जाती है। उसके बाद हम उसके खून को अपने चेहरे पर लगाते हैं और दैत्यराज का शुक्रिया अदा करते हैं, दैत्यराज के आगे सर झुका देते हैं और झूमने लगते हैं। हम तुम्हें बता भी नहीं सकते हम क्या अनुभव करते हैं उस तांत्रिक क्रिया में, हम आनंदमय हो जाते हैं, दुनिया के सभी सुख हमें मिल जाते हैं, हम ऐसी खुशबू को महसूस और सूंघते हैं जिसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। बस ये समझो एक ऐसा नृत्य प्रारंभ हो जाता है शैतान की दुनिया में, समझो कि उसके सारे द्वार खोल दिए गए हों। उसके बाद हम उस रक्त से नहाते हैं, स्नान करते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं। हमारे तन पर एक भी वस्त्र नहीं होता, यही नीति है, शैतानी रिचुअल ऐसे ही होते हैं। शरीर पर तुम एक भी वस्त्र धारण नहीं कर सकते। हम उस रक्त से नहाते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद हम अपने हाथों को फैला लेते हैं और आकाश की ओर देखते हैं और आवाज मारते हैं, हे दैत्यराज प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, तुम्हारा एक सिपाही तैयार है, तुम्हारा एक मानने वाला तैयार है, तुम्हारा एक इंसान तैयार है, जा उस मानव को मान ले, उसे ले ले, उसके पश्चात हम उसके नाम देते हैं। कुछ इसी क्रिया के अंदर कुछ ऐसे गुप्त मंत्र होते हैं, शैतानी रिचुअल होते हैं जो हम नहीं बता सकते। ये गुप्त शब्द, ये गुप्त मंत्र उस समय दोहराए जाते हैं और हम उस समय झूम उठते हैं। शैतान सामने खड़ा होता है एक परछाई और अंधेरे की शक्ल में। अगर कोई इंसान को नंगी आंखों से शैतान को देख ले तो सारे जीवन उसे नींद आए, सपने देखना छोड़ दे। उसके बाद हम शैतान के आगे उस व्यक्ति का नाम सौंप देते हैं। तुरंत बाद शैतान अर्थात दैत्यराज वहाँ से प्रस्थान करते हैं और उस क्षेत्र में पहुँचते हैं जहाँ पर हमारा वो नया सिपाही अर्थात जो इल्यूमिनाती की सदस्यता ले रहा है वो व्यक्ति होता है। उसने क्या करना है, उसे क्या तैयारी करनी है? उस व्यक्ति को सबसे पहले पानी से अर्थात जल से स्नान करना है, एक भी कपड़ा नहीं पहनना, घुटनों के बल खड़े रहना है, हाथ पक्षी की तरह सीधे रखने हैं, सामने कुछ मोमबत्ती जलानी है। ये हम उसे ही बताते हैं जो सदस्यता लेता है, सारी जानकारी नहीं देते, सिर्फ उसे बताते हैं जो सदस्यता लेता है। उसके बाद मोमबत्ती जलाता है, कुछ और भी इसमें होता है जो हम अभी नहीं बताएंगे। उसके बाद उसे हम कुछ गुप्त शब्द बताते हैं, जैसे वो शब्दों को दोहराता है उसके जहाँ भी वो किसी कमरे में है, किसी स्थान पे है, परछाइयाँ खेलने लगती हैं, हवाएं चलने लगती हैं और सामने एक ऐसी भयानक शक्ल प्रकट होती है जिसे शायद वो देखना ना चाहता हो। दैत्यराज एक भयानक शक्ल के अंदर उसके सामने आकर खड़े होते हैं। याद रखें, दैत्यराज को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, अगर कोई आदमी देख ले तो भय से मर जाए। इसलिए जो लोग सदस्यता लेते हम उन्हें मना करते हैं कि दैत्यराज की आंखों में ना देखें, शैतान की आंखों में ना देखें। फिर वो व्यक्ति अपनी आंखों को नीचे रखता है और दैत्यराज से सौदा कर डालता है। अगर वो सदस्य है तो दैत्यराज उसे स्वीकार कर लेते हैं, अगर वो व्यक्ति अपनी आत्मा का सौदा कर रहा होता है तो उसका सौदा होता है। तब दैत्यराज अपने मुख से पूछते हैं कि बता तेरी क्या इच्छा है, और वो व्यक्ति अपनी तीन इच्छाएं बता सकता है। उसकी तीन इच्छाएं इस दुनिया में रहते हुए पूरी कर दी जाती हैं तत्काल प्रभाव से। तो ये बहुत बड़ा मार्ग है, इसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, ये साधारण चीज़ है ही नहीं। अब हम आज्ञा लेते हैं, जितने भी लोग हैं सभी के लिए जो भी चाहते थे इल्यूमिनाती की सदस्यता लेना उन सबका स्वागत है, याद रखें। और जो भी पिछले महीने का मेंबर हैं उन सब के लिए एक बड़ा रिचुअल हो रहा है। बहुत सारे लोग तो बाहर जा रहे हैं परंतु हमारी जिम्मेदारी भारत में है तो हम भारत में रहेंगे, विदेश हम नहीं जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का रिचुअल भारत के अंदर होना है उसकी बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। सभी के जो गुप्त फ़ोन नंबर हैं उन पर मैसेज चला गया होगा, पता पहुँच गया होगा। याद रखें, हमारे सभी सदस्य गुप्त रहते हैं, इनकी पहचान को गुप्त रखा जाता है, इनकी पहचान को कभी भी उजागर नहीं किया जाता। इल्यूमिनाती के सभी सदस्य गुप्त रहते हैं,
अब हम आज्ञा लेते हैं, ओम श्री दैत्याय नमः, जय हो शैतान की, हे शैतान, ओम दैत्या।